Hey, what's up guys? मेरा नाम है दीपक और मैंने अपना आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। आज मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ चिकन लवर्स के लिए जो चिकन के दीवाने हैं। आज मैं पंजाबी स्टाइल में चिकन करी बनाने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं हमारी चिकन करी कैसे बनती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए जरूर मेरे जनाब। गाइस, जैसे हम आज चिकन करी बना रहे हैं तो मैंने ले लिया है 1 किलो मटन। अरे मटन नहीं, चिकन करी बना रहे हैं हम, चिकन करी। तो हम लेंगे 150 से 200 ग्राम दही ताकि इसको मैरिनेट किया जाए। पहले चिकन को मैरिनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा पक जाए जल्दी और थोड़े अच्छे से फ्लेवर अच्छे आते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने दही ले लिया है 150 से 200 ग्राम, ये मेरा चिकन है, मैंने चिकन को बिल्कुल साफ कर लिया है, धो लिया है। आप भी बिल्कुल चिकन जब लाएं बाहर से अच्छी तरह उसको वॉश करिए। और अब मैं मैरिनेशन कर रहा हूँ चिकन का। मैरिनेट करने के लिए हम इसको चिकन को 20 से 30 मिनट तक मैरिनेट करेंगे इसको, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। और साथ ही मैरिनेशन करते हुए हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच सफेद नमक। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, कि अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए इसी बर्तन में छो 1 किलो के हिसाब से मैंने ले लिए हैं 5 टमाटर और इनको चॉप कर दिया है। अब मैं इनको ग्राइंड करूंगा मिक्सी में और इसका पेस्ट बना के फिर चिकन में। और ऐसे ही 5 टमाटर का मैं पेस्ट बनाऊंगा अगेन ग्राइंड करके। सो गाइस, मेरे मसाले तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या मसाले यूज करे हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने 5 प्याज ग्राइंड करे थे, ये देखिए कैसे ग्राइंड हुए हैं मिक्सी में। और ये मेरे 5 टमाटर जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये देखिए हमारे मसाले तैयार हैं। हमने यूज करा है 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी और ये लिए हमने 1 पीस जावित्री और 4 लौंग, 4 इलायची और 1 मोटी इलायची, 1.5 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच अजवाइन। सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिस है, वो मैं आपको बनाते हुए दिखाऊंगा तब डालूंगा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। चीज और है जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अदरक ले ली है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी क्वांटिटी अदरक की ली है। ये देखिए 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने इतनी क्वांटिटी अदरक की ली है। मैं इसको इसमें हमाम दस्ता में कूटूंगा। और हाँ, मैंने इसमें अराउंड आधा चम्मच काली मिर्च ली है जो मैं इसी के अंदर मिक्स करूंगा। और 4-5 अपने लहसुन बढ़िया से, और मैं इसको कूटूंगा ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी चिकन की रेसिपी। और हमें लेना पड़ेगा ऑयल, वो कोई भी ऑयल हो सकता है, चाहे आप पीनट बटर ऑयल यूज करिए, चाहे आप सरसों यूज करिए, चाहे आप देसी घी यूज करिए, चाहे आप बटर यूज करिए, और हाँ आप कोकोनट ऑयल भी बना सकते हैं, पर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है पीनट बटर ऑयल। इसको हम लेंगे 5 टेबल स्पून। हाँ, मैं अपना चिकन बना रहा हूँ इंडक्शन में। मेरा इंडक्शन स्टार्ट हो चुका है अब।
देर बाद डालेंगे जब हम मसाले इसमें भून लेंगे। हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं जाते, इसमें गोल्डन कलर आएगा आपका फ्राई करते हुए, तब तक हमें प्याज को इसमें भूनना है। और साथ साथ अब हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। जो फ्रेग्रेंस है चिकन की वो बहुत
मेरा चिकन कबाब ट्राई करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। खलास।